दमोह के चरियाई बाजार स्थित मछली मार्केट में दुकानों का संचालन करने वाले और उनके परिवार के लोगों ने बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही वहां से मीट मार्केट को नहीं हटाए जाने की मांग की। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने इस स्थान को बीते अनेक वर्षों से उनके द्वारा दुकान संचालन का क्षेत्र बताया गया। साथ ही कहा गया कि उनको वहां से ना हटाया जाए और इस मामले में मांग भी प्रशासन से की गई है।
नेपाल समाज, खटिक समाज और मुस्लिम समाज के संयुक्त बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया है। हम लोगों ने मांग की है कि हम लोग 70 साल 80 साल से वहाँ पर व्यस्त रूप से मछली मार संचालन करते हैं। 70 साल में कभी 70 इंच की जमीन पर हम लोगों ने कभी पट्टा नहीं लिया और हम लोग बिना छाँव में, धूप में, पानी गिरते में हम लोग बैठ के व्यवसाय पेट पालते हैं समाज के लोग। और कुछ तथाकथित व्यापारियों के द्वारा अपने स्वार्थ के रखते हुए मछुआरे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा उनसे कहना है कोई भी कीमत पर रैकवार समाज की दुकानें, खटिक समाज की दुकानें नहीं हटेंगी, भले ही मोंटी रैकवार की जान चली जाए। और शासन का निवेदन है शीघ्र ही अपना इस पर निर्णय लें। का ऐसा कोई रोड है, कोई सड़क मार्ग है जहाँ से आम पब्लिक को कोई परेशानी हो? वो जहाँ पर मछली मार्केट स्थित है वो व्यवस्थित जगह पर स्थित है और आम पब्लिक का उससे कोई वैसा टच नहीं है कि आम पब्लिक को वहाँ कोई परेशानी हो। मछली मार्केट चूंकि आप यहाँ इस शहर से, इस जगह से अगर आप 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर बाहर भेजते हैं तो जो व्यक्ति 50 रुपये की या 20 रुपये की मछली गरीब आदमी खरीदना चाहता है, अगर वो व्यक्ति बाहर 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर मार्केट जाएगी तो वे 20 रुपये की मछली खरीदेगा या 20 रुपये के ऑटो रिक्शा में बैठेगा। क्या है कि रैकवार समाज का जो मूल परंपरागत जो व्यवसाय है मछली पालन है, अनादिकाल से जो जलाशय के किनारे या नदी के किनारे, समुद्र के किनारे या जो जंगलों में रहते थे, कोल भी उन्हीं का ही समुदाय है जो पहले जंगलों में बास करता था, जलाशयों के बास करता था। धीरे धीरे जब समाज का विकास हुआ तो उससे धीरे धीरे जब समाज का विकास हुआ तो वह शहर की ओर बढ़ा। जब वो शहर की ओर बढ़ा तो उसका अपना व्यवसाय बनाया और लगभग 100 वर्ष पूर्व से ये मछली का जो मार्केट है वो यहाँ पर इस मार्केट में स्थापित है। क्योंकि दमोई के नहीं, दमोई से लगे हुए जितने भी चारों तहसील हैं और तहसीलों से लगे हुए जो संभाग हैं वो भी यहाँ पर मछली का व्यवसाय अपने व्यापार के रूप में करते हैं।